हाय, मैं हूँ जोया खान और आप मुझे देख रहे हैं भोजपुरी बातें पे। आज तीसरा दिन है शूट का, बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल फैमिली वाला माहौल है। रितेश जी इसमें डायरेक्टर हैं, फिल्म जो बन रही है अभी टाइटल फाइनल नहीं हुआ है, प्रोडक्शन नंबर 1 से बन रही है, ये शूट हो रही है, टाइटल 2 है एक्चुअली, तो अभी फाइनल नहीं हुआ है, डिसाइड होगा तो मैं ज़रूर बताऊँगी। और ये तीसरा दिन है, यहाँ पे ग्रीन पार्क में शूट चल रही है जी। सीन आज मेरा कुणाल जी के साथ सीन है, अभी फ़िलहाल इतना बताया गया कि आज कुणाल जी के साथ सीन है, जिसमें कि जो हीरो है हमारे उनका याददाश्त जा चुका है। सो 2-3 सेट है इस फिल्म में मेरा, तो आज सेकंड सेट कर रही हूँ। हाँ, बहुत अच्छी चीज़ आपने पूछा मेरे से। मेरे पास कोई भी कॉल या कोई भी कांटेक्ट होता है, आता है फ़ोन के थ्रू या किसी भी थ्रू, तो सबसे पहले मेरा यही सवाल होता है कि फिल्म जो बन रही है किस टाइप की फिल्म बन रही है, कहानी क्या है, तो ये मेरे लिए ज़्यादा मायने रखता है। हीरो कौन है, कलाकार कौन है, मेरे लिए ज़्यादा मायने नहीं रखता है, बिकॉज़ हर आर्टिस्ट एक बार पहले वो पहला ही आर्टिस्ट होता है, धीरे धीरे जाके वो स्टार बनता है, तो मेरे लिए वो मायने नहीं रखता, मेरे लिए कहानी मायने रखता है। फिल्म मुझे रितेश सर ने कॉल किया था कि एक फ़िल्म है करनी है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, मैंने कहा सर ठीक है मैं ज़रूर करूँगी, फिल्म की कहानी क्या, तो उन्होंने बोला कहानी बहुत अच्छी है, साफ़ सुथरी मूवी है, फैमिली ड्रामा है, तो मुझे ये चीज़ अच्छा लगा कि फिल्म साफ़ सुथरी है, पारिवारिक फिल्म है और कहानी बहुत ही अच्छी है, तो मैंने इसलिए हाँ बोला। देखिए अब वो टाइम नहीं रहा, मैं आपको एक बहुत बड़ा एग्जांपल दूंगी, बहुत सी मूवीज़ अभी आई, हिंदी की मैं बात कर रही हूँ, भोजपुरी भी थोड़ी देर के लिए साइड कर दे रही हूँ, बड़े बड़े स्टार कास्ट की आई है जो फ्लॉप रही हैं, कुछ मूवीज़ आई हैं छोटे एक्टर्स की आई हैं जो अभी नए नए हैं, जैसे कि ड्रीम गर्ल आई है, छिछोरे आई हैं, अब बहुत अच्छी रिकवरी हुई है, बहुत अच्छी कमाई हुई, तो मेन क्या मायने रखता है ना, कॉन्सेप्ट, आपका कॉन्सेप्ट क्या है, जो आपको पब्लिक उस चीज़ को सपोर्ट करे, सराहे कि हाँ कुछ बना है, नहीं भी चला ना तो आप साफ़ सुथरी फिल्म बना रहे ना, तो पब्लिक की जुबान फिर रहती है अरे नहीं चलो अलग की बात है, फिल्म तो साफ़ सुथरी थी, बलगटी बना के कुछ नहीं हो गया, अभी वो चीज़ नहीं रहा। मैं चाहूँगी, मैं सबसे अपील यही करूँगी, फिल्में बनाइए साफ़ सुथरी बनाइए कि पूरा परिवार एक साथ बैठ के देख सके। गाने भी बहुत अच्छे हैं और गाने ऐसे नहीं है कि कोई भी सॉन्ग उठा के कहीं भी लगा दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल स्टोरी को देखते हुए गाने बने हैं, जैसा सिचुएशन है गाने वैसे ही बने हैं। अरविंद जी इसमें हीरो हैं, वो काफ़ी टाइम से सीरियल वगैरह भी कर रहे हैं, आई डोंट नो, मैं पहली बार उनके साथ मूवी कर रही हूँ और अच्छे इंसान हैं, सुलझे हुए व्यक्ति हैं, तो बस दर्शकों से इतना ही कहना चाहूँगी कि जैसे आपने मुझे पहले प्यार दिया है, अभी भी प्यार वैसे ही बनाए रखिए, और मेरी 2 मूवी रिलीज होने वाली है, मिशन पाकिस्तान और नरसिम्हा, बहुत जल्द, तो आप लोग देखिए और अपना प्यार आशीर्वाद दीजिए, थैंक यू, धन्यवाद। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।